सभी से ये निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने के लिए पहुंचे, ताकि एक निष्पक्ष आदमी को आप चुन सको और अच्छी से अच्छी नगर पालिका चुनी जा सके। शिवानी मंडी के विकास कार्यों को लेकर के आपकी क्या मुख्य समस्याएं आपको देखने को नजर आ रही हैं, जो कि नगर पालिका बनते ही सबसे पहले उनका मुख्य बढ़नी चाहिए हमारी समस्याएं? सबसे मुख्य समस्याएं लाइट्स की हैं, गलियों में लाइट नहीं है। मैं सभी मेंबर्स से निवेदन करूंगा कि सबसे पहला काम ये है कि लाइट लगवाई जाए गलियों में। कुछ गलियों का काम बाकी है जिनमें कीचड़ कचरा गिरा हुआ है। पीछे वार्ड, कुछ वार्ड जो नए जुड़े हैं, और अपना अशोक पार्क का काम बाकी है। सभी मेंबर्स से मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अशोक पार्क का काम करवाएं, ताकि एक पार्क हमारे बीच में बन सके और शिवानी की छवि के लिए बहुत अच्छा कार्य रहेगा। सभी वोटर्स में से मैं निवेदन करूंगा कि जाति पाति से ऊपर उठ करके मतदान करें और निष्पक्ष एक नेता चुने जो शिवानी के लिए आगे बढ़कर काम करे, भाईचारे का के साथ वोटिंग करें, किसी प्रकार की तकलीफें ना उठाते हुए भाईचारा कायम रखें। और सभी कैंडिडेट से मैं निवेदन करूंगा कि आपस में सभी भाइयों के साथ सहयोग के साथ बिना किसी लड़ाई झगड़े के लिए मतदान के लिए तैयार रहें और अपनी पूरी तैयारियों के साथ बड़ा ईमानदारी से हर काम को करने की कोशिश करें, ताकि भाईचारा इलेक्शन के बाद भी बना रहे। सभी को पता है कि 13 कैंडिडेट ही जीत करके MC बनने, बाकी सभी कैंडिडेट्स और जीतने वाले कैंडिडेट्स से भी मेरा यही निवेदन है कि भाईचारा बनाकर रखें। सबसे बड़ी समस्या यही है कि छोटे छोटे वार्ड होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होने की वजह से भाईचारे में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो।